ये देखिए, इस तरह की अगर आप फिश बनाना चाहते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी फिश बनी है, खाने में भी ये सबको बहुत अच्छी लगती है। तो लीजिए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगा कॉर्नर में। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी, जिसके लिए मैंने 1 किलो फिश ली है। उसको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। ये 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, बहुत थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच हम बेसन डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से हाथ से ही मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारे सारे मसाला हमारे फिश पे लिपट जाए। ये सारा मसाला हमारा अच्छे से फिश पे लिपट चुका है। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, फिश बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने एक जार लिया है, ये 4 प्याज और लहसुन, इसको हम फाइनली पीस लेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और हमने उसमें 2 चम्मच भर के तेल डाला है। अब हम इसमें अपनी फिश को फ्राई करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म भी हो चुका है। जो हमने इसमें बेसन डाला था वो इसीलिए ही डाला था कि फिश को आप जब भी तलते हैं वो छिटकती है, और अगर हम बेसन इसमें ऐड कर दें तो छिटकती नहीं है, मतलब आप पे इसकी छींटे नहीं आएंगी। बहुत ज़्यादा हमें डीप फ्राई नहीं करना है, बस लाइट करना है कि जिससे कि हमारी फिश अच्छे से सेट हो जाए। देखिए हो गई है। अब हम इसको धीरे से निकाल लेंगे, जिससे कि फिश टूटे नहीं। बहुत अच्छे से निकालिएगा, फिश बहुत सॉफ्ट होती है। जो हमने फिश फ्राई करी थी वो देखिए ये तैयार हो चुकी है। ऐसी फिश देख के किसी का भी मन कर आएगा कि ऐसी ही फिश खा ले, पर हमें तो फिश करी बनानी है। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, जो तेल हमारा फ्राई फिश का था उसी तेल में हमने जो प्याज और लहसुन पीसा था वो हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अब अच्छे से जब तक हमारी प्याज नहीं भुनती है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। प्याज हमारी भुनने वाली है, इसी समय हम 1 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से बाइंड हो और हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बने। और इसको भी हमें पूरी तरह से भूनना है, बेसन हमारा कच्चा नहीं रह जाना चाहिए। करीब 2 मिनट तक बेसन आप भूनिए, बस चलाते रहिए क्योंकि बेसन लगने के चांसेस होते हैं। हमने ज़्यादा तेल नहीं डाला है। अब 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले हमने जब फिश में मैरिनेट करी थी तब उसमें डाले थे, तो इसमें अब हम कम ही डालेंगे। तो हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, अगर बाद में आपको जैसा कम या ज़्यादा लगे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हम देगी मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, मसाले को भी साथ में 1 मिनट।
देखिए प्याज, बेसन और मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे जिससे कि ये और अच्छे से भुन जाए। आधा गिलास हमने इसमें पानी डाला है। अब इसको हम तेल निकलने तक, जैसे हमारा मसाला तेल छोड़ दे तब तक इसे भूनेंगे। ये देखिए मसाला खूब अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें सारी फिश ऐड करेंगे। और एक गिलास या आधा गिलास, जैसा भी आप जितनी ग्रेवी पसंद करते हैं फिश में, कम या ज़्यादा। बस एक उबाली आने तक हमको फिश पकानी है, क्योंकि फिश हमारी पूरी अच्छे से गली हुई है और इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस धीरे हाथ से इसको हिलाइए ताकि पीस टूटे नहीं। बहुत धीरे हाथ से करना है हमें। और अब हम इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए हमारी फिश करी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अचक से पीसों को उठाना है हमको। और थोड़ी सी ग्रेवी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।